ऑलराइट, हाँ जी फ्रेंड्स, आ जाओ। तो यार जो आज का वीडियो वो एकदम अलग होने वाला है। इस वीडियो के लिए हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले हैं जो कि पूरी हटके हैं बट बड़े ही काम के हैं। तो हर जगह से स्पेशल कुछ चीजें आप लोगों के लिए ढूंढ के निकाली है जो कि आप लोगों के बहुत सारी जगह पे काम आ सकती हैं। और जैसे कि आप लोगों को भी पता है हम ये सारे प्रोडक्ट्स अमेज़न के थ्रू मंगाते रहते हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि इसमें ना आप लोगों को अमेज़न के फ्री स्टॉक्स मिल सकते हैं वर्थ अप टू 1000 रुपीज। अभी मैं तो एक्साइटेड हूं बॉस ट्राई करने के लिए। चलो फिर ट्राई करते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं इनके। तो मैं ये पेपर्स इसीलिए लेके बैठा हूं क्योंकि इस बार ना हम लोग पास ये जो चीज आई है ये बहुत काम की है। इसका नाम है स्टेपललेस स्टेपलर। तो स्टेपलर्स आप सब लोगों ने देखे हो, बड़े ही काम के होते हैं। स्टेपल्स डलते हैं इसमें और कुछ इस तरह से आप लोग स्टेपल लगा सकते हो ना और आप लोगों का काम हो जाता है। बट इस वाले स्टेपलर में ना स्टेपल्स ही डलते हैं और ना ही आपको कभी खरीदने हैं, कुछ इसमें डालना भी नहीं है। तो वही हम देखेंगे बॉस फिर वर्क कैसे करता है ये। भाई जब मैंने ये प्रोडक्ट देखा मैं भी कुछ चौंक गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई ये चीज चल जाए। तो ये कुछ ऐसा आता है एंड आप देख सकते हो नॉर्मल स्टेपलर से तो अलग है बॉस, है ना, पूरा डिजाइन ही अलग लग रहा है। ये जो पेपर्स है इनको एक बार इसमें प्लेस करूंगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये प्लेस कर दिया। अब काम कैसे करेगा? ठीक है, हो गया। इसने कुछ ऐसे एरो बना दिया। तो एक्चुअल में इसने ये पूरा स्टेपल कर दिया और एक भी स्टेपलर का पिन नहीं है यहाँ पे, कोई भी मेटल की चीज नहीं है। और जरा क्लोजअप में दिखाऊं मैं ये कैसे कर रहा है तो आप लोग देखना। एक यहाँ पे ना एरो वाला कटआउट है और जो भी एक्सेसिव पेपर था जिसके थ्रू इसने ये किया है फोल्ड, तो वहां पे ये पेपर इधर जाके अटैच हो गया है। एक और बार ट्राई करते हैं, इस बार ना थोड़ा और क्लोजअप में देखेंगे। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे प्लेस किया तो क्लोजअप देखते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे कट होता है एंड यहाँ पे प्लेस हो जाता है। ओ भाई क्या सही चीज है, नहीं यार ये तो कमाल हो गया, पता ही नहीं था ऐसा भी होता है। तो ऐसा स्टेपलर लेते ही नहीं थे। तो आप लोग ऐसे करके ना पूरा का पूरा फाइल अटैच भी हो जाएगा और आप लोगों को कुछ अलग से स्टेपलर्स कभी लाइफ में डालने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। इवन ये वाले जो होते हैं ये धीरे धीरे रस्ट भी हो जाता है, बट ये आप लोग लंबा चल जाएगा। एंड कुछ ऐसा पेपर कट्स वगैरह भी नहीं है कि इसके अंदर स्टोर हो रहे हैं तो पेपर वेस्ट हो रहा है। सब आप लोगों का डायरेक्टली यहीं पे जो भी है बनकर ऐसे बस स्टेपलर यूज करते रहो। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये ओपन करके दिखाता हूँ। बढ़िया, आप लोगों का ये स्टेपल हो जाएगा। तो ये कोकोयू कंपनी का है और ये नियर अबाउट 700 रुपीज में आता है। भाई कंपेयर टू दिस और मोस्टली मैं सारे अपने प्रोडक्ट्स जो है वो अमेज़न से ही ऑर्डर करता हूँ। और हम सबको मालूम है अमेज़न पे कितने वास्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रहते हैं। एक बात बताऊँ आप लोगों को, अगर हम लोगों ने ना आपसे 10 साल पहले अमेज़न में 2000 रुपए मंथली इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट में 11 लाख रुपए होते। रुपी डॉलर के मुकाबले हर साल वीक होता जा रहा है। 2011 में $1.44 था, 22 में $1 = 82 रुपीज, हम सबको पता है। तो ये मैं अमेज़न की तारीफ करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को पॉइंट बताना चाहता हूँ कि हम लोग ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो यूएस के हैं और हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे एप्पल के काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, गूगल के प्रोडक्ट्स आप लोग डेली बेसिस पे यूज करते हो, तो हम लोग कंज्यूमर तो ऑलरेडी हैं तो इन्वेस्टर क्यों नहीं बन जाते हैं इसके। और हमेशा से ये भी लगता था भाई यूएस में अगर हम लोग को इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारी कमीशन चार्जेस लग जाएंगे जो बीच में देना पड़ जाएगा, बट अब ऐसा नहीं है। INT मनी के थ्रू आप लोगों को ये सारी चीजें हट जाती हैं। आप लोगों को 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, 0 कमीशन फीस देनी पड़ती है आप लोगों को, किसी को भी, कोई भी ब्रोकरेज भी नहीं है। एंड आप लोग INT मनी में SIP मोड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी मिनिमम 500 रुपए से स्टार्ट होती है। और हम लोग आप लोगों को INT मनी के साथ मिलके अमेज़न के स्टॉक्स गिफ्ट कर रहे हैं वर्थ अप टू 1000 रुपीज। अब 1000 रुपीज में कितना भी मिल सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे दिए हैं, आप लोगों को ना INT मनी में साइन अप करना है। एंड आप लोग फर्स्ट टाइम जब अपना US अकाउंट ओपन करोगे और उसे फंड करोगे तब आप लोगों को ये फ्री स्टॉक्स मिल जाएंगे। इसमें आप लोगों को 1000 रुपए तक के स्टॉक्स फ्री में मिल सकते हैं। अच्छा चलो ये तो हो गया, अभी प्रोडक्ट्स देखते हैं फिर से। चलो जो नेक्स्ट चीज है वो तो आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि एग्जैक्टली क्या है, है ना, बट ये काफी लोगों ने परचेज किया हुआ है एंड ये सॉर्ट ऑफ जैसे कि आप लोगों की रिलीफ बॉल होती है ना, वैसे थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए ये है। मतलब अब देखेंगे यार कैसा है, कैसा काम करता है। प्रोडक्ट पे जो लिखा हुआ है डेस्कटॉप डेकोरेशन लिखा हुआ है और ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है। एंड डेस्कटॉप गायरोस्कोप, बस ये दो चीजें मेंशन है। और देख लो आप लोग कुछ मल्टीपल कलर्स में आता है, बट जो हमारा वाला है वो एक पियानो ब्लैक कलर में है। काफी देर तक रोटेट होता रहता है यार, ये रुकेगा? अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब।
मतलब रोटेट हो रहा है एंड जो डिजाइन है ना वो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ऊपर की साइड जा रहा है, तो ये कुछ ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देता है। और कहने के लिए तो ये एक ऐसा स्ट्रेस रिलीफ के लिए है और वही थोड़ा डेस्क डेकोरेशन वगैरह भी हो जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर कि कितना काम का है, किसके लिए काम का है। पर्सनली मेरे से पूछोगे तो भाई मेरे इतने काम का नहीं, हाँ बस ऐसे रोटेट करने में मजा आएगा और घुमाने वगैरह में मजा आएगा, बट इसका प्राइस भी कुछ 650 रुपीज समथिंग में है, तो उस हिसाब से ये इतना भी स्ट्रेस रिलीफ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बस ऐसा डिजाइन बढ़िया है और बहुत स्लो भी दिखेंगे, तो इसका वही इल्यूजन जो क्रिएट करता है वो अच्छा लगता है। अब डेकोर करने के लिए आप लोग ले सकते हो। अब देखो स्ट्रेस कितना रिलीफ करेगा ये पता नहीं मुझे, बट ये आप लोगों का कुछ स्ट्रेसफुल चीज से माइंड डाइवर्ट तो जरूर कर देगा थोड़ी देर के लिए, सही, फिर सब चीजों से ध्यान हटा देता है। नहीं हाँ, क्या देख रहा था मैं, क्या बोल रहा था, एक्टिंग है। तो चलो नेक्स्ट चीज, आप लोगों ने वैसे लाइटर्स तो बहुत देखे होंगे, नॉर्मल लाइटर्स भी, तो वो तो कुछ ऐसे छोटे से आते हैं और नॉर्मल आप कुछ होते हैं, बट इस बार ना ये हम लोगों के पास जो लाइटर्स है वो अल्टीमेट साइज वाले हैं भाई और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो ये लाइटर्स कुछ ऐसे आते हैं और आप लोग डिफरेंस देखना दोनों में, झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। अब अच्छा यूज वाइज इन लाइटर्स को आप लोग फिर से रिफिल कर सकते हो, मल्टीपल बार यूज भी कर सकते हो, और जब आप लोग ऑर्डर करोगे तो फिर ये भर के आएंगे वैसे तो पूरा। और इधर की साइड में आप लोगों को ऑन ऑफ बटन एंड लॉक बटन भी मिल जाते हैं ताकि कोई गलती से यूज ना कर दे, प्लस पावर कंट्रोल का भी पूरा का पूरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, पूरा डायल है उसको रोटेट करके आप लोग पावर भी कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी ना मैं ऐसे मैक्सिमम गैस पे कर देता हूँ, सबसे ज्यादा पावरफुल कर देते हैं, एंड यहाँ से हम लोगों ने लॉक ओपन कर लिया है। अब अगर इसे यूज करते हैं तो पोपट हो, तो बॉस ये कुछ इतना पावरफुल है, यहाँ तक अच्छा खासा हीट आ रहा है इसका, एंड फ्लेम कम करके ऑन करते हैं तो यहाँ पे फ्लेम धीरे से कम हो जाएगा, पावरफुल कर देता है यार, पावरफुल तो है ये। और कंपेयर टू दिस इसके यूजेज भी अलग अलग हो सकते हैं, इवन ये कुकिंग में भी काफी लोग यूज करते हैं, जैसे कि टॉप लेयर को बस हल्का से हीट करना है, इवन बारबेक्यू के टाइम ये चीज काम आ सकती है, और इवन इसमें फ्यूल भी बहुत ज्यादा है तो ये काफी टाइम तक वर्क भी कर लेता है। प्राइस वाइज आप लोगों को ये 150 रुपीज में आ जाता है, एंड ट्रस्ट में ये नॉर्मल लाइटर से काफी स्ट्रॉन्ग है बॉस ये वाला लाइटर। बस कभी भी आप लोग यूज करो तो ये लाइटर्स वगैरह थोड़ा सा सेफली यूज करना और बच्चों से दूर रखना। अच्छा चलो नेक्स्ट चीज ये थोड़ी सी अलग है, आप कार में काम आएगी ये, तो ना इसे जरा मैं निकाल लेता हूँ। ऑलराइट, तो ये कुछ ऐसा पूरा सिस्टम आता है, और एक बार ना मैं बैक साइड से ओपन करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ से कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा, और एक बार जरा ओपन करके मैं आप लोगों को एक जिसके साथ परफ्यूम आता है वो ड्रॉप कर रहा है, तो बॉस ड्रॉपर वगैरह सब दिया हुआ है इन लोगों ने, एंड ये कुछ परफ्यूम दिए गार्डेनिया, आई एम नॉट श्योर इसका कैसा स्मेल है, स्प्रे कर लेते हैं, आप इसे इस पर ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे बंद कर देते हैं, ये तो इन लोगों ने प्रोवाइड किया है, बट आप लोग कोई और भी परफ्यूम जो भी आप लोग है या कोई एसेंशियल ऑयल वो सब यूज कर सकते हो इस पर ड्रॉप करने के लिए, तो इस तरह से कुछ आप लोग का फैन सेट हो जाता है। अब इस चीज को ना आप लोग अपने कार में प्लेस कर सकते हो या कोई भी ऐसी जगह पे प्लेस कर सकते हो जहाँ पे सनलाइट का एक्सेस हो, एंड उसके बाद आप लोगों ने प्लेस कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे ना क्लोजली एक मिनी सोलर पैनल है, तो ये जैसे ही सनलाइट आती है ना तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये फैन रोटेट होना स्टार्ट हो गया है, और जो भी बैक साइड में आप लोगों ने कॉइल में ऑर्डर प्लेस किया ना फुल भी सेंट रहेगा वो धीरे धीरे रिलीज होना चालू हो जाएगा और मस्त बढ़िया स्मेल आने लग जाता है। तो भाई ये तो एकदम अलग टाइप का एकदम परफ्यूम यूनिट हो गया, जो कि ऐसे प्लेन के डिजाइन में एंड फैन भी रोटेट होता रहता है पता भी नहीं चलेगा, और धीरे धीरे आप लोगों को अच्छा अच्छा खुशबू भी आ जाए, तो उसमें अलग अलग टाइप के आते हैं, अलग डिजाइन में भी आते हैं इवन सोलर वाले ही, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। वैसे इनका जो प्राइस रेंज रहता है पर्टिकुलर वो 600 के अराउंड रहता है। तो गन्स तो आपको मैंने बहुत और अलग अलग टाइप की देखी होंगी, और गन्स ना तबाही मचाती है, ठीक है, बट ये वाली जो गन है ये तबाही और जो भी आगे आप लोगों ने गड़बड़ की है उसे साफ करता है। तो ये जो यूनिट है ना ये एक एक्चुअली वैक्यूम क्लीनिंग गन है भाई, इतने से साइज में ना ये आप लोगों का वैक्यूम क्लीनर बन जाता है। तो जैसे कि अगर टॉप की बात करें तो टॉप में ये कुछ ऐसा है जिसे आप लोग रिमूव भी कर सकते हो कुछ इस तरह से, एंड डायरेक्टली इसे भी यूज कर सकते हो, एल्स अगर आप लोग अटैचमेंट चाहिए तो जस्ट इसे ऑन कर देते हैं। हम लोगों ने गंदगी यहाँ पे मचा दी है, वो बहुत पावरफुल है, तो अगर ऐसे इस तरह से आप लोग बड़े पार्टिकल्स वगैरह क्लीन कर सकते हो, एंड अच्छे से डस्ट क्लीन करनी है ना जो भी लग जाती है उसके लिए यहाँ पे एक और अटैचमेंट है, इसे बस आगे कर लेते हैं और अब स्टार्ट करेंगे इसे काफी जल्दी सब क्लीन करेंगे।
और कम्प्लीटली आप लोगों का टेबल क्लीन हो चुका है। अब इसका डर्ट वगैरह निकालना है, तो कैसे निकालने के लिए आप लोगों को बस कुछ इस तरह से ओपन करना है, एंड जैसे ये फिल्टर निकालते हैं ना तो सारा डर्ट इसी के अंदर आ जाता है, इसे हम डायरेक्टली थ्रो कर सकते हैं। तो ये चीज सही है यार, इवन कार क्लीनिंग के टाइम पे मैं इसे यूज करता हूँ, एंड अगर आप लोगों को कारपेट क्लीन करना है या कहीं पे भी छोटे स्लॉट्स में आप लोगों को क्लीनिंग करनी है, बहुत इजीली हो जाती है। इससे बड़ा वैक्यूम क्लीनर उठा के लेके जाओ, वहाँ पे प्लग लगाओ, कनेक्ट करके फिर आप लोग क्लीन करते हो, तो मुझे उससे बेटर ये लगता है। काफी हैंडी भी है और बैटरी लाइफ भी अच्छा खासा है, मतलब टोटल रनिंग टाइम देखेंगे इसका तो ये 4 आवर्स समथिंग है, बट एक बार में कोई 15 मिनट यूज करेगा, कोई 5 मिनट यूज करेगा तो ऐसे चल जाता है। एक बार चार्ज किया तो भी आप लोगों का पूरे महीने चल जाता है। और बटन के ऊपर ही ना यहाँ पे लोगों ने एक मिनी LED लाइट दे रखी है, तो ये भी ऑन हो जाती है, जस्ट इनकेस आप लोग रात के टाइम पे यूज करें तो हल्का आप लोगों को ब्राइटनेस भी मिल जाएगा। एंड अलग कुछ अडेप्टर नहीं है, अलग कोई पोर्ट नहीं है, तो टाइप सी ना कोई भी नॉर्मल केबल आप लोगों का रहेगा, उससे भी चार्ज हो जाएगा। भाई काम की चीज तो है ये, प्राइस में थोड़ा महंगा आता है, आप लोगों नियर अबाउट 1500 से 2000 की रेंज में आएगा, एंड ये इंडिया के बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो मैं ट्राई करूंगा, इसका भी लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूं। और जैसे कि आप लोगों को पता है बाकी सारे प्रोडक्ट्स के लिंक तो डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड जैसा कि गाइस इस वीडियो में मैंने आप लोगों को INDMoney मनी के बारे में बताया था, तो ऐप एकदम सेफ है, इवन 7 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं उसके, सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड इट एंड गेट योर Amazon शेयर्स वर्थ अप टू 1000 रुपीज, जो कि आप लोगों को फर्स्ट टाइम फंड करने में मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, इवन अगर आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी डालते रहते हैं, इवन यूट्यूब पे भी डालते हैं, तो ऐसे मजेदार कंटेंट के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। चलो बस इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय।